इनिस कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें स्वादिष्ट खीर बनाएंगे। वैसे तो प्राय खीर सभी घरों में बनाई जाती है और उसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें काजू, बादाम, किशमिश और बहुत से सूखे मेवे भी डालते हैं। मैं आपको आज एक बहुत ही सरल और अत्यधिक स्वादिष्ट खीर की रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। वो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं गाय के दूध की खीर। खीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चावल लिए हैं। अब हम चावल को साफ पानी से 3 बार धो लेंगे। उसके बाद चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। खीर का महत्वपूर्ण घटक दूध होता है और हम अक्सर इसके चयन में ही भूल करते हैं। हम खीर के लिए कोई सा भी दूध ले लेते हैं, यही खीर के स्वाद पर असर डालता है। हमें खीर गाय के दूध से ही बनानी चाहिए, क्योंकि गाय का दूध ही एकमात्र दूध होता है जिसमें नेचुरल स्वाद व मिठास होती है। अब हम एक तपेले में 2 लीटर गाय का दूध डालकर अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध अब अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें भिगोए हुए चावल मिला लेंगे। भिगोए हुए चावलों का पानी निकालकर उबलते हुए दूध में चावलों को डाल देंगे। चावल को अच्छी तरह से मुलायम होने तक पका लेंगे। चावल अब अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें 200 ग्राम शक्कर मिला लेंगे। शक्कर मिलाने के बाद एक उबाल आने देंगे। फिर उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके खीर को रूम टेम्परेचर में लाकर फ्रिज में रात भर के लिए रख देंगे। खीर अब पूर्णतः तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। खीर बनाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। खीर गाय के दूध की ही बनाएं और दूसरा, रात भर खीर को फ्रिज में रखकर दूसरे दिन उपयोग में लेवें।